हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक यूनिक स्टार्टर जिसका नाम है क्रीमी पोटैटो। चलिए ये बहुत ही क्रीमी और उतनी ही टेस्टी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें 1 कटोरी उबले हुए आलू डालेंगे। हम यहाँ पे दम आलू के लिए जो छोटे वाले आलू मिलते हैं उसका यूज़ किया है। अगर आपके घर में ये अवेलेबल ना हो तो आप बड़े आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसका यूज़ कीजिए। हमें इन आलू को गोल्डन रेड होने तक फ्राई कर लेना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली सारी रेसिपीज आप तक पहुँचे। लगभग 5 से 7 मिनट तक हमने इन आलू को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हो ये गोल्डन रेड कलर के हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसी कढ़ाई में आधा कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई कैप्सिकम और 2 से 3 टेबलस्पून उबले हुए कॉर्न। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। इसे भूनते वक्त ही हम इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ गार्लिक ऐड करेंगे और इस गार्लिक को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। लगभग 1 से 2 मिनट हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसे भी एक बाउल में निकाल लेंगे। चलिए अब हम क्रीमी पोटैटोज़ बनाना शुरू करते हैं। अब हम उसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून बटर लेंगे। बटर हल्का सा मेल्ट होने के बाद हम इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और इस मैदा को हम इस बटर में अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। जैसे हम व्हाइट सॉस पास्ता के लिए मैदे को भूनते हैं उसी तरह हमें इसे भून लेना है। 1 से 2 मिनट इस मैदे को भूनने के बाद हम इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे और इस दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध में मैदे को मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो ये क्रीमी सा टेक्सचर इसमें आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें हमने फ्राई की हुई कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। इन सब्जियों को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इन सब्जियों को मिक्स करते वक्त ही हम इसमें 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून नेचुरल हर्ब्स, नमक स्वादानुसार और 1 टेबलस्पून शेजवान चटनी और इन सारी चीज़ों को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करते वक्त हमें ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें फिर से 1 कप दूध ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा पतला कर लेंगे। दूध को इसमें मिक्स करने के बाद हमने फ्राई किए हुए पोटैटोज हम इसमें ऐड करेंगे। इन पोटैटोज को इसमें मिक्स करने के बाद हम इसे 1 मिनट तक पकने देंगे। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हो ये क्रीमी और उतने ही टेस्टी पोटैटोज बनके रेडी हो चुके हैं। इसे आप जब मन चाहे तब आप इसे खा सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और आपके बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये यूनिक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।